आइए बैठिए। ओहो माइटी कोच काफी है। अच्छा सैलरी कितनी होगी? 20,000 रुपए मंथली। मिक्सी चाहिए, चटनी नहीं पीस सकती, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंथ सकती, और अगर मेरे को अपना केचप का कुछ भी सामान चाहिए होगा तो मैं अपने आप तुम्हारा उठा लेगी, तुमसे पूछ के नहीं लेगी। अंडा खाना है तो मशीन ला के देना पड़ेगा, ये कभी सॉफ्टवेयर आता है कभी हार्डवेयर आता है, ये मेरे को खिंच खिंच नहीं चाहिए रोज का। और कोई फरमाइश? और कुछ होगा तो बताएगी मैं, अभी वीडियो चालू करो। अब रोज रोज की ऐसी दिक्कतें तो अक्सर घर में आती हैं, तो आज के वीडियो में इन्हीं कुछ घर की दिक्कतों को हम सॉल्व करेंगे अपने इन हैक्स या टिप्स के साथ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, जो नोटिफिकेशन बेल बटन है ना आपके पास, अगर मैं अपने स्टैट्स देखती हूँ तो मेरी नोटिफिकेशन कम से कम पहुँच रही हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि बेल बटन को ऑन करें ताकि मेरी वीडियो जब भी कभी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाएं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहले हैक की तरफ। बबली अंडे अक्सर नॉर्मल तरीके से अगर अंडे उबालने हैं तो बहुत ही सरदर्द है कि कितना पानी रखना है, कितना वॉच टाइम रखना है, अब वो परफेक्ट उबले भी हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने ये ख़रीदा है अमेजोन से एग बॉयलर। एक बारी में इसमें आप 6 से 7 एग बॉईल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप इसमें 3 वैरायटी ऑफ एग्स बॉईल कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट, मीडियम नहीं तो हार्ड। बस आपको अंडों को इस तरीके से ट्रे में लगा देना है और पानी डाल के इसे कवर करके स्विच ऑन कर देना है। टाइमर अपने आप सेट हो जाता है और अंडे जैसे आपको बॉईल चाहिए परफेक्ट तरीके से बॉईल होके इंडिकेटर का बटन बंद हो जाता है। और क्योंकि ये इतना कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है और इतना इजी टू हैंडल है कि आप इसको अपने साथ ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं, या आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आपको एग बॉईल करके सुबह सुबह खाना है तो आप इसको वहां पे भी ले जा सकते हैं। दिल जलता है तो जलने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई। तनखा लेने की जगह देनी पड़ जाएगी। विकी तुमने बुलाया पहली बार? हाँ मेरे अंडे बल्ले मैं भी आई ये प्रेस देखने का। ये क्या कर दिया आपको? भैया की शर्ट जला दी। भाभी मैंने नहीं जलाई है। ये हल्का है तो क्या मैंने जलाई? ये ऐसे हिल जाम लगाएगा तो मैं यहाँ पे काम नहीं करेगी रे बाबा। ना लाए जिसका काम उसे ही करने देता ना, तेरे को क्या जरूरत थी करने की? पड़ गई ना डांट। अब अक्सर आप टेम्परेचर प्रेस का कितने भी सेट कर लें बट नज़र हटी और यहाँ दुर्घटना घटी। तो ऐसा अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा पक्का, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्या तो आपकी महंगी साड़ी या तो आपकी महंगी शर्ट या कोई भी ड्रेस पक्का से जली होगी। तो इसके लिए पहले तो मैं एक देसी सा हैक करती थी, यानी कि मैं न्यूज़पेपर बिछा के प्रेस करती थी, पर उससे उतना मज़ा नहीं आता था। इसके बाद मैं जब ऑनलाइन सर्च कर रही थी तो मुझे मिला ये इंसुलेटेड आयरनिंग मैट। तो बस इसे देखते ही, इसके फंक्शन पढ़ते ही मैंने तुरंत इसे ऑर्डर किया और लगभग 200 से भी कम रुपए में ये आ गया मेरे घर। और अब जब भी मुझे प्रेस करना होता है तो मैं इस मैट को अपने महंगे से महंगे कपड़े में लगाती हूँ, और ये क्योंकि इतना हीट रेजिस्टेंट है कि अगर गर्म प्रेस भी मैं लगाऊंगी तो मेरे कपड़े बिल्कुल भी जलते नहीं हैं। तो इसमें है हाई क्वालिटी आयरनिंग मैश। जब भी इसमें हाई टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं तो चाहे मेरी डेलिकेट सी डेलिकेट सिल्क की साड़ी हो या ड्रेस हो या कोई भी पतला डेलिकेट फैब्रिक हो, वो जलने से बच जाता है। और ये बिल्कुल ड्यूरेबल है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार ही यूज़ किया और ये ख़राब हो गया, आप इसे फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। बस वॉशेबल भी है तो आप इसे वॉश करके बार बार यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि हम अपने कपड़ों के ऊपर एक लेयर लगा देते हैं इस आयरनिंग मैट की, तो हमारे कपड़े डायरेक्ट हीट के टच में नहीं आते और उससे वो ज़्यादा डैमेज भी नहीं होते। बट इस मेश की वजह से हमारी जो आयरन की प्लेट होती है वो भी डैमेज नहीं होती। तो अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं किया है तो एक बारी मेरे कहने पे बस
अपने 200 रुपए निकालिए और तुरंत ऑर्डर कीजिए ये मैट को और आप भी देखेंगे कि आपके कितने पैसे मैंने बचाए हैं। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि महंगी सी महंगी साड़ी जब आप लेते भी होंगे तो कम से कम 3 से 4 हज़ार की तो आती होगी और जब भी वो जलती होगी तो वो तो वेस्ट गए। तो बस 200 रुपए में बचा लीजिए आप अपने इतने सारे पैसे। और हाँ, अगर अभी भी आपने नोटिफिकेशन बेल बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ एक बारी जाके नोटिफिकेशन को बेल बटन को दबा लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट हैक उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ट्रैवल करते हैं और उनको लगेज में कैसे सामान को ऑर्गेनाइज करें उसके लिए प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए अमेज़ॉन में बहुत से वैरायटी के इस तरीके के पैकेज क्यूब्स मिलते हैं और ये सेट में आते हैं, 8 के सेट में आते हैं या 12 के सेट में आते हैं। अगर ये क्यूब्स नहीं होते तो आप अपना सारे सामान को इस तरीके से अरेंज करते हैं जो कि काफ़ी बल्की लगता है और जब आप अपना सामान भी ढूंढने जाते हैं तो नीचे दिए गए सामान को ढूंढने के लिए आप ऊपर की 10 चीज़ें निकाल के फेंक देते हैं और फैला देते हैं। बट अगर आप इस तरीके के क्यूब्स यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने कॉम्पैक्टली आप अपनी सारी चीज़ें को इसमें अरेंज कर सकते हैं। अगर हम इन ट्रैवल क्यूब्स में अपने कपड़े रखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी रिंकल नहीं पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि इन क्यूब्स के अंदर इस तरीके के बकल्स लगे होते हैं जिससे कि हमारे कपड़े इधर से उधर शैटर्ड नहीं होते हैं। और इन पैकिंग क्यूब्स की एक खास बात जो मुझे लगती है कि जब भी कहीं हम जा रहे हैं और अचानक से अगर हमें अपना सूटकेस पब्लिक में खोलना भी पड़ता है तो हमारा सामान इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है या इतनी अच्छे से रखा होता है कि हमें वो एम्बेरसिंग सिचुएशन से भी जूझना नहीं पड़ता है। अगर हमें इन क्यूब्स में नहीं होता तो पहले तो हमारा सामान शैटर्ड हो जाएगा और आपको कुछ चीज़ निकालनी होगी तो सारी चीज़ें फैल जाएगी। बट इन क्यूब्स में रखने की वजह से आप देखेंगे कि एकदम ऑर्गेनाइज रहता है आपका लगेज। मेरे को पार्टी में जाना, मैं तो बोल देगी मेरे हिसाब से कि मैं जा रही, इतने धूल तो इस घर में नहीं है जितने की बाल मेरे मुंह पे आ गए हैं। ये कुछ काम का लगता है, यही ट्राई करके देखती है। अब नेक्स्ट हैक उन लड़कियों के लिए है जिनको भैया पार्लर में ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने और सुंदर भी दिखना है, या कुछ होते हैं जो ऐसे कि मेरी तरह जब कभी पार्टी में जाना होता है या एंड मोमेंट में याद आता है कि यार मैंने वैक्सिंग नहीं कराई या मैंने फेशियल हेयर्स रिमूव नहीं कराए, तो इसके लिए मैंने मंगाया है रीयूजेबल फेस रेजर। तो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है इंस्टेंट ग्लो और पेनलेस हेयर रिमूवल। जहाँ कहीं पे भी आपके बाल हो, जैसे आईब्रोज, अपर लिप्स, चिन, फोरहेड, यूनिब्राउ या साइड बर्न्स, इससे आप अपने अपर लिप्स हेयर को बहुत ही इजीली पेनलेसली रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी निक्स और कट्स। क्योंकि ये रीयूजेबल है तो इसको आप 6 से 8 बारी फेशियल हेयर रिमूवर के सेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये इतना स्लिम और पोर्टेबल डिज़ाइन है कि आप इसे एनी टाइम एनी वेयर यूज़ कर सकते हैं और ख़ासकर आजकल के टीनेजर्स के लिए आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑर्गेनाइजर। अगर आपके घर कॉम्पैक्ट है या इवन बड़े भी कह लीजिए लेकिन आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। अब छोटी से छोटी में मैं बताऊंगी, सपोज आपको अपने बच्चों के क्लिप्स या अपने बच्चों की एयरिंग्स या बड़े से बड़े आपको अपने शूज रखने हैं या और भी कुछ सामान को स्टोर करना है, तो ये मिलते हैं वैरायटी ऑफ डिज़ाइन शेप साइज एंड प्रोडक्ट में। जैसे कि अगर आपको वुडन चाहिए तो ये वुडन में मिलेंगे, प्लास्टिक में मिलेंगे, क्लॉथ में मिलेंगे या फाइबर में मिलेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स की जो बहुत वैरायटी और शेप साइज में मिलते हैं। तो इस तरीके के प्लास्टिक के बॉक्स हैं और ये कवर है, तो इसके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में मैं अपनी सारी ज्वेलरी शूट की हो या पर्सनल हो स्टोर कर लेती हूँ। दूसरा ऑर्गेनाइजर है ये क्लॉथ के बॉक्सेस, तो इसमें मैं सारे अपने एथनिक सूट हो या ब्लाउजेस हो या साड़ी हो इस तरीके से इसमें डालकर रख लेती हूँ। दूसरी बात इन ऑर्गेनाइजर्स की यह है कि इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक कर लेती हूँ, तो अगर आपकी कोई अलमीरा ऐसी है या आपकी कोई जगह वेस्ट यूटिलाइज नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे ये भी ऑर्गेनाइजर अच्छे से सेट हो जाते हैं। और इसी तरीके से मैंने ये अनंत्या के लिए मेकअप ऑर्गेनाइजर्स भी लिया है क्योंकि उसकी कबर्ड में जगह तो थी लेकिन अब मेकअप के सामान को रखा कैसे जाए, तो मैंने उसके लिए ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया मेकअप ऑर्गेनाइजर और देखिए उसके मेकअप के सारे प्रोडक्ट कितने अच्छे से इतनी सी जगह पे सेट हो गए हैं। तो ये तो थे मेरे टाइम सेविंग किचन एंड होम हैक्स। आई होप आपको मेरे ये हैक
फैक्ट्स पसंद आए होंगे थोड़े से कॉमेडी के तड़के के साथ। और हाँ, अभी तक नोटिफिकेशन बेल बटन अगर नहीं दबाया तो मैं एक बारी फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि प्लीज नोटिफिकेशन बेल बटन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।